दुनिया का नंबर वन स्कॉलर जिनको भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। वो इतने बड़े विद्वान थे कि उनकी एक किताब भी प्रॉब्लम ऑफ रूपी जिस पर स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी बैंक RBI की स्थापना की गई। जी हाँ, हम बात कर रहे भारतीय घटने के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका नाम ही संघर्ष करने की ऊर्जा देता है। ऐसे महान व्यक्ति को हमने सिर्फ दलितों तक सीमित करने की कोशिश की, बल्कि उनका योगदान हर क्षेत्र में है। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया, जिसके बदौलत आज की महिला भारत के उच्च पद हासिल कर रही है। उन्होंने कामगार के लिए बड़ा काम किया। आज जो हम 12 घंटे के बजाय 8 घंटे काम करते हैं, वो इनके बदौलत है। जो आज हम PF मिलता है, आज हम मेडिकल में सहूलत मिलती है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, महिला प्रेगनेंसी में छुट्टी ले सकती है, लिस्ट लंबी है इनके कार्यों की। आज जो हम पानी पीते हैं, इस पानी को भी मनुवादिवों से मुक्त करने वाले बाबा साहेब थे। भारत में इंसानों को गुलाम बनाने के लिए अनेक किताबें लिखी गईं, लेकिन बाबा साहब ने गुलामों को इंसान बनाने के लिए अनेक किताबें लिखी। जिन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करके मानवता की सच्ची राह सिखाने वाले बुद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहेब, आपसे बड़ा कलम का बादशाह न कभी हुआ ना होगा। आपको और आपके कार्य को मेरा क्रांतिकारी जय भी। ये था दुनिया के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर छोटा सा ट्रेलर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना।